बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, झारखंड और अन्य राज्यों में क्लास 10वीं और क्लास 12वीं दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। ऐसे में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE से संबद्ध देश भर के 21,000 से अधिक सरकारी और प्राइवेट स्कूल में साल 2023-24 के दौरान सेकेंडरी, जिसे क्लास 10 कहते हैं, और सीनियर सेकेंडरी जो 12th क्लास कही जाती है, उसके करीब 21 लाख स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम के नतीजों का इंतजार है और उत्सुकता उनकी बढ़ती ही जा रही है। CBSE की तरफ से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी रिजल्ट जारी किए जाने की तारीख को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि खबरों में दोनों ही बोर्ड एग्जाम के नतीजे मई 2024 के पहले सप्ताह में जारी किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि CBSE द्वारा आमतौर पर बोर्ड एग्जाम रिजल्ट जारी किए जाने की डेट को लेकर कोई पूर्व सूचना नहीं दी जाती है। ऐसे में यदि परिणाम मई के पहले सप्ताह में जारी होते हैं तो माना जा सकता है कि लाखों स्टूडेंट्स का नतीजों का इंतजार जल्द ही समाप्त होने वाला है। इस बीच स्टूडेंट्स CBSE बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर समय समय पर विजिट करते रहे, जहां पर परिणामों को लेकर अपडेट जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम का आयोजन 15 फरवरी से 13 मार्च 2024 तक किया था।